एव वन आई होप एवरी वन इज़ सेफ़ एंड सिक्योर एंड डूइंग ग्रेट सो गईज़ कुछ लोगों के इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आए कि भैया आपके पास नेक्सन है काफ़ी टाइम से आप उसको ऑन कर रहे हो एंड uh, क्या रिस्पॉन्स है गाड़ी का क्या हमें वो गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए तो so, मैं देख रहा था कि मैंने अभी तक उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई है ओनरशिप की सो so, आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं क्या मेरा नेक्सन का ओनरशिप uh, रिव्यू रहता है क्या गाड़ी अच्छी है क्या आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए सो गईज़ आप लोगों को पता होगा मैंने दो साल पहले गाड़ी ली थी और मैंने जो ये गाड़ी खरीदी थी वो काफ़ी सोच समझ के अपना पैसा सिक्योर करके सही जगह इन्वेस्टमेंट करके जब मेरे पास पैसा हो गया था तो मैंने गाड़ी खरीदी थी तो उसके लिए मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा फाइव पैसा डॉट कॉम फाइव पैसा देश के पहले ऐसे ब्रोकर हैं जिसने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट को इजी और रिवॉर्डिंग बनाया है इसलिए पाँच साल में बारह लाख से ज़्यादा कस्टमर्स जुड़ चुके हैं और ये सब हुआ है फाइव पैसा के पेपरलेस एंड हैसल फ्री डी मैट अकाउंट प्रोसेस से फाइव पैसा ने लेटेस्ट मोबाइल ऐप में क्विक बाय एंड सेल फ़ीचर भी ऐड कर दिया है जिसमें सिर्फ पाँच स्टेप्स में आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं सबसे पहले आपको लॉग कर लेना है जिस शेयर में आपको इंटरेस्ट है उसे सर्च एंड सेलेक्ट कर लीजिए शेयर पर क्लिक करते ही बाय और सेल विंडो का पेज ओपन हो जाएगा क्वान्टिटी एंड प्राइस डालें हो गया आपका ऑर्डर प्लेस सिर्फ पाँच सिंपल स्टेप्स में आप इक्विटी एफ एन ओ करंसी गोल्ड एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हैं फाइव पैसा फ्री डी मैट अकाउंट ओपन करते ही आपको मिलेंगे सीधा टू फिफ्टी रुपीज़ अपने अकाउंट में जिससे आप अपनी जर्नी जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं यूज़ करें कोड ऑफ टू फिफ्टी सो so, देर किस बात की है गाइस इन्वेस्टमेंट का सफर शुरू करिए लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे एंड uh, हम अपनी जो वीडियोस को कंटिन्यू करते हैं सो चलते हैं बाहर और आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ एंड कुछ उसके जो ड्रॉबैक्स हैं या प्लस पॉइंट्स हैं वो बताता हूँ ओके गाई सो वेलकम टू माई खार दैट इज द था नेक्सन एंड अब बात करते हैं हम इसके पॉजिटिव नेगेटिव जिसके लिए हम एक्चुअल में ये वीडियो बना रहे हैं सो so गाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्रेंड से सो so, फ्रेंड में सबसे मेन चीज हमें जो इसका हार्मन कार्टन का जो आपका म्यूजिक सिस्टम मिलता है दैट इज रियली अमेजिंग अगर आपको बेसी म्यूजिक सुनने का शौक है मतलब इसके जो ऑडियो आउटपुट है ना दैट इज़ प्रटी नीट बहुत ही क्लियर साउंड्स के साथ है बेस काफ़ी सही निकलती है ट्रिबल काफ़ी सही निकलती है uh, ऐसा फील नहीं होता कि मतलब यार एक वो सस्ते वाले स्पीकर होते हैं ना वैसा वाला सीन नहीं क्योंकि हारमन का आपको म्यूजिक uh, सिस्टम मिल जाता तो दैट इज़ रेली गुड बहुत छोटा सा मतलब बनाया गया आप इसमें टच स्क्रीन वगैरह चेंज भी कर सकते हैं बट वही है फिर वो Harman का जो मजा है वो चीज़ जो फील है वो ख़त्म हो जाएगी uh, मेरी वाली में आपको एक्सएम वेरियंट दिस इज़ द एक्स एम वेरियंट टू थाउजेंड नाइनटीन एक्सएम वेरियंट मैंने लिया था एंड इसके अंदर मुझे स्टेडेड माउंटेन कंट्रोल्स जो है वो मिल गए थे बट जो नया वाला वेरियंट आ रहा है उसमें से ये हटा दिए गए हैं विच इज़ अ बिग नो नो फ्रैंकली बोलूँ तो बट ये बहुत सही काम करता है अगर आप पुराना वाला वेरियंट लेने का सोच रहे हैं क्योंकि आप यूज में जाना चाहते हैं तो बहुत ही सही रहेगा क्योंकि इसके अंदर आपको ये मिल जाएगा बट जो इसका जो डैश है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है अगर मैं आपको यहाँ से डैश दिखाऊँ सो सो so, अगर मैं आपको डैश दिखाऊँ उस so, डैश आप यहाँ पे देख सकते हो इसका बहुत ही सिंपल सा डैश है बट जो नया वाला है उसका डैश बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि पूरी एक डिस्प्ले की तरह है एंड बहुत ही सही डिजिटल तरीके से जो है उसकी स्पीडोमीटर्स जो है वो दिखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है बाकी आप स्टेरिंग माउंटेन कंट्रोल्स है वो यहाँ पे देख सकते हैं ओके okay, ये तो बात रही थोड़ी फ़ीचर्स की कि फ़ीचर्स में क्या क्या है आपको यहाँ पे पावर विंडोज़ वगैरह सब कुछ मिल जाता है हर चीज़ है कंफर्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो दो बंदे अगर सपोज यहां पे बैठे हैं तो आपस आप में हाथ नहीं टकराता दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट दैट इज़ एक्चुअली द प्लस पॉइंट क्योंकि आप बहुत कंफर्टेबली उसके अंदर बैठ सकते हो अगर आप यहाँ पर आमरेस लगा लेते ना तो भाई उसका तो फिर फील ही अलग आ जाता है बहुत ही मज़ा आता है मेरे पास अभी मैंने लगवाने का सोचा था बट मेरे को टाइम नहीं मिल पाया बट ज़रूरी है वो अगर आप एज अ ड्राइवर आप कंफर्ट चाहते हो ना तो आपको बहुत ही सही रहेगा आप इसमें पर आमरेस लगा लें इसकी सिटिंग पोस्टर की अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी कंफर्टेबल का मैंने जो लॉन्गेस्ट इसको चलाया है दैट इज़ स्टिल अमृतसर जो कि ऑलमोस्ट 430 किलोमीटर पड़ता है एंड दैट इज़ अ गुड सेवन टू एट आवर्स ड्राइव फ्रॉम दिल्ली और सही से से बात करूँ भाई थकावट महसूस नहीं होती खास करके अगर आप एक अच्छे सीट कवर जैसे मैंने ये बहुत आ, मोटे सीट कवर्स लगवाए हैं जो बहुत अच्छा आपको फोम है अंदर दिया जाता है तो उसके साथ आपको इशू नहीं आता है ख़ास करके जो इसकी शेप दी गई है वो आपको बहुत ज़्यादा कम्फर्ट प्रोवाइड करती है एंड उसमें आप थकान महसूस नहीं करते हैं लेग रूम यार लेग रूम की तो बात ही छोड़ दो लेग रूम बहुत ही खतरनाक है क्योंकि अभी मैंने ये जो कैमरा है वो आप ट्राईपॉड पे खड़ा है बड़ा वाला जो ट्राईपॉड होता है ना उस पर खड़ा हुआ है तो आपको पता होगा एटलीस्ट इतनी इतनी लेग्स उसकी वाइड होती हैं तो आप समझ सकते हो कि इसका नीचे कितनी आराम से ये खड़ा हुआ है सो लेग रूम के अंदर आप पूरी सीट पीछे भी कर लेंगे तब भी बैक सीट पर आपको बिल्कुल भी इशू नहीं आने वाला जो कि बहुत ही सही प्लस पॉइंट है इसका एम्पल स्पेस दिया गया है बॉटल होल्डर काफ़ी सारे दिए गए हैं छतरी का होल्डर भी दिया हुआ है आपका ग्लोव बॉक्स बहुत ही सही है बहुत ही ह्यूज ग्लोव बॉक्स है बहुत ही बड़ी जगह जो है वो आपको इस ग्लोव बॉक्स के अंदर मिल जाती है तो मेरे को इसके अंदर कोई इशू नहीं आया जो मेन इशू इस गाड़ी के अंदर आता है दैट इज़ द एवरेज जो पेट्रोल है बहुत ज़्यादा पीती है पूरी बात सुन लो भाई पूरी बात सुन लो नेक्सन इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कार्स एंड हाईवे पे मैंने इसकी ऑलमोस्ट इक्कीस प्लस बाईस तक की एवरेज निकाली है ऑन एसी बट अगर मैं सिटी राइडिंग की बात करूँ सिटी राइडिंग आप समझ सकते हो अगर मैं अभी अभी आपने पीछे स्पीडोमीटर देखा होगा सो so अगर आप थोड़ा लंबा डिस्टेंस आने लाइक like 10, 20 किलोमीटर्स 30 किलोमीटर्स 40 किलोमीटर्स की आपकी सिटी में राइडिंग है ड्राइविंग है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तेरह से पंद्रह के बीच में जो है इसकी एवरेज आ जाती है विच इज़ नाइस विच इज़ प्रिटी गुड बट अगर आप दो चार पाँच किलोमीटर राइड ड्राइव कर रहे हैं आसपास जाना है देन फ्रेंकली बोलूँगी ये एवरेज देती है भाई आठ नौ हद मार के दस बहुत मुश्किल से पहुंचती है वो भी तब पहुंचती है जब आप बीच में थोड़ा सा कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं थोड़ा सा लंबा जाते हैं दस बारह पंद्रह किलोमीटर पे चले जाते हैं तो दस तक ये पहुंच जाती है बट कम चलने वाली अगर आपकी गाड़ी है जैसे मेरी बहुत कम चलती क्योंकि पहले ये यूजुअली वाइफ के पास रहती थी और वाइफ इस पर बेटे को ले स्कूल से लेकर आना जाने में था यूज़ में आती थी सो so, उस टाइम पे सिर्फ आठ नौ की जो एवरेज है ये गाड़ी देती थी और उससे ज़्यादा एवरेज नहीं आती थी तो आप समझ सकते हो कि पच्चीस का पेट्रोल पच्चीस से तीन के बीच में इसका जो टैंक है वो फुल हो जाता है और उसके अंदर ये सिर्फ़ और सिर्फ 200 किलोमीटर के आसपास चलती थी 200 सौ सवा दो सौ उससे ज़्यादा नहीं चलती थी बट अगर हम यही लॉन्ग रेंज की बात करें जैसे हाईवे की बात करें तो मैंने आपको बोला 20 से 21 तक की एवरेज जो है वो आपको मिल जाती है अब बात करते हैं भाई इसके मोड्स की दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस कार क्योंकि उसके अंदर आपको तीन तरीके के मोड मिलते हैं इको सिटी एंड स्पोर्ट्स तो ये जो तीन मोड है बहुत ही खतरनाक है बहुत ही सही है और कई बार ये बहुत ही ज़्यादा रुला देते हैं सो so, जैसे मैंने आपको बोला अगर आप बहुत स्लो ड्राइवर हैं आप आज तक आजकल वैसे ही दिल्ली में बहुत ज़्यादा स्पीड का चक्कर पड़ गया है पचास की स्पीड है आप उससे ज़्यादा तेज़ कर नहीं सकते आप कहीं खींचने की कोशिश करते हैं देन ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कैमरा वगैरह सामने आ जाता है तो फिर चलान होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है so, सो मैं यूजअली गाड़ी जो चलाता हूँ दैट इज़ ऑन ईको मोड ईको मोड पर आपको सिक्सटी नाइन जो है वो यूज़ मिलता है यूज़ में आती है एंड 69 नाइन बी एच पी पे तेरह सौ साढ़े तेरह सौ किलो की ये गाड़ी है क्योंकि टाटा है भाई मेड इन इंडिया प्रोडक्ट के बारे में बात करें जो कि आपका क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है मोस्टली सारी गाड़ियाँ इनकी फाइव स्टार रेटिंग है सो इको मोड के अंदर जब इतनी भारी गाड़ी को आप चलाते हैं ना आप रेस दबा के रखते हैं पूरी की पूरी तब भी गाड़ी जो है वो भागती नहीं है बिल्कुल भी नहीं भागती है सो so, मुझे ये थोड़ा सा लगता है कि यार इको मोड पर तो ये बिल्कुल डेड है मतलब बहुत आप स्लो चला रहे हो तीस चालीस पचास की स्पीड पे आपको चलना है आराम आराम से कहीं खींचना नहीं है तो उसके लिए तो भाई बहुत ही अमेजिंग है बट अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट करूं या कुछ करूं तो आप इको मोड पे अगर वो चीज़ करने की सोच रहे हो तो भाई भूल जाना आप इको मोड पर नहीं कर सकते हो नेक्स्ट मोड हमारा आ जाता है सिटी जो कि आपको ऑलमोस्ट देता है एटी नाइन बी एच पी एटी नाइन नाइनटी नाइन नाइन एटी नाइन बी एच पी आपको देता है ये एंड इस एटी नाइन बी एच पी के अंदर इट्स डिसेंट मतलब आपको एक इनफ पिकअप मिल जाती है कि आप थोड़ा सा पिकअप लेना चाहो तो आपको कोई इशू नहीं है बट जैसे जैसे हम मोड्स चेंज करते जाते हैं जैसे जैसे बी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो इसकी एवरेज है वो डाउन होती जाती है सो स्पोर्ट्स मोड के अंदर आपको मिलता है 109 सौ नौ बी एच पी विच इस प्रिटीनाइज एंड वो तो भाई मक्खन मतलब वो तो पैर रखते ही एकदम गोली जीरो टू हंडर्ड बहुत ही तगड़ा हो उस पर जाता है और मुझे अभी तक इस गाड़ी के अंदर उस सेंस में कोई इशू नहीं लगा हाईवे uh, पर अगर आप चला रहे हो तो आप सिटी ड्राइविंग पे चलाओ स्पोर्ट्स मोड मत करो वही जैसे सत्तर अस्सी नब्बे चलानी है देन इको कर लो आप एक बारी पे आपको लगता है कि यार मेरे को थोड़ी सी स्पीड चाहिए देन आप स्विच करके इसको सिटी पर ले जाओ देन आप फिर वापस उसको इको कर सकते हो तो ये बहुत सही है कि क्योंकि आपका सिर्फ ट्विस्ट हाथ के ट्विस्ट से ही पूरा जो है आपके मोड चेंज हो जाते हैं विच इज़ अ वेरी वेरी इजी थिंग और क्या चीज़ है ब्रेकिंग वाइज द कार इज एक्सेलेंट रोल थोड़ा सा है गाड़ी क्योंकि ऊंची है थोड़ी सी गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है बट अगर आप इसको 60, 70, 80 की स्पीड पे हल्का सा मोड़ते हो तेज तो भाई गाड़ी रोल वो करती है काफ़ी मतलब डर सा फील होता है फ्रैंकली बोलो गाड़ी वैसे जाएगी कहीं पे भी नहीं बट अंदर से वो फ़ील होता है क्योंकि गाड़ी ऊंची है तो उसके हिसाब से आपको फीलिंग वो आती है कि यार ये गाड़ी कहीं ऐसे पलट सा ना जाए एंड uh, मुझे एक चीज़ बहुत वो लगी है रफ़ सा लगा है मतलब uh, कि गाड़ी चलाते हुए ना थोड़ा भारी भारी सा फ़ील होता है uh, आपको अगर होंडा सिटी वगैरह चलाने की आदत है और वैगनाज हो गई सेंट्रोस हो गई डिज़ायर हो गई मारुति की गाड़ियाँ चलाने की आदत है या अगर मैं बोलूँ अर्टिका हो गई या दूसरी आ, आपकी सेवेक वगैरह हो गई वो गाड़ियाँ जब भी आप चलाते हैं वो गाड़ियाँ बहुत हल्की चलती हैं बहुत स्मूथ चलती हैं ये गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है क्योंकि इन लाइन थ्री है तो थ्री के हिसाब से थोड़ी सी साउंड ज़्यादा है थोड़ा सा हार्शनेस है इसके अंदर क्योंकि इन लाइन थ्री है बट अगर मैं यहाँ पे गाड़ी के चलने की बात करूँ तो गाड़ी बहुत हेवी चलती है मतलब आप सत्तर अस्सी पे चल रहे हो ना तो आपको वो फील नहीं आएगा मतलब कि एक बहुत हल्की गाड़ी वाला फ़ील होता ना वो चीज़ नहीं आएगी क्योंकि अब 1300-1400 सौ किलो का मॉन्स्टर है भाई ये दूसरी चीज़ गाड़ी की जब आप रात को नाइट ड्राइविंग कर रहे हैं तो गाड़ी की लाइट का थ्रो बहुत सही है क्योंकि डूअल हेडलाइट्स है लो बीम हाई बीम दोनों अलग अलग हैं तो डूबल हेडलाइट्स का बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि आपको नाइट विजन में कोई इश्यू नहीं आता है नाइट विजन आपके लिए बहुत सही रहता है एंड मैंने नीचे प्रोजेक्टर पे नीचे फॉग फॉगलैम्स में प्रोजेक्टर फॉग फॉगलम्स प्रोजेक्टर वाले जो फॉगलैम्स हैं वो लगाए हुए हैं एंड उसके अंदर मैंने एच आई डी डाली है तो उसकी वजह से मुझे एक डबल बेनिफिट मिलता है क्योंकि लाइट like बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है मेरे को काफी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि भैया हमारी नई वाली नेक्सन है और नई वाली नेक्सन में आपको पता होगा कि लो बीम पे प्रोजेक्टर हेडलाम्प्स आ गए हैं सो so, लोग पूछते हैं कि भैया एलईडी कौन सी लगाए तो यार मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप प्रोजेक्टर हेडलाइम्स में हमेशा एच यूज़ करिए प्रोजेक्टर हेडलाइम्स पर एल ई यूज़ मत करिए आपका जो एक थ्रो है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा आपको विजिबिलिटी नहीं मिलेगी एल प्रोजेक्टर में काम नहीं करती है एल प्लेन डोम में बहुत सही काम करती है जैसे ही आप प्रोजेक्टर हडलाइम्प्स में स्विच करते हैं तो आपको अपनी जो लाइट है उसको भी स्विच करके एच में चले जाना है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी बाकी बैक की अगर मैं बात करूं एक वो एरिया बचता है बूट स्पेस बहुत सही है तीन सौ साढ़े तीन सौ लीटर का बूट स्पेस आपको इसके अंदर मिल जाता है मतलब आराम से अगर मैं बोलूं तो चार पाँच छः चार पाँच बैग्स मतलब जो नॉर्मल साइज़ की अटैची होती है वो आपके चार पाँच बैग्स जो है वो आराम से आ सकते हैं तो मुझे उस चीज़ का कोई इशू नहीं लगा सस्पेंशन uh, वाइज गाड़ी इज़ परफेक्टली फाइन और uh, पीछे स्पेस की बात करूं तो दो बंदे बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं तीसरा बंदा अगर थोड़ा सा पतला है तो कंफर्टेबली बैठ लेगा बट तीन बंदे थोड़े हेल्दी हेल्दी होंगे तो वो गाड़ी में नहीं आएंगे गाड़ी देखने में बहुत ज़्यादा चौड़ी है बट अंदर जब भी आप ये जो सारे कर्व्स वगैरह करते हैं ना और वो सब होता है प्लस इसका डोर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा थिक है तो इसकी वजह से पहलने की वजह से अंदर की जो स्पेस है वो थोड़ी सी क्रंशद हो जाती है थोड़ी सी कम है तो पीछे तीन बंदे मोटे मोटे तो इसमें थोड़ा मुश्किल ही आ पाते हैं बाकी गाड़ी में कोई इश्यू नहीं है अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं आप बात करते हैं इसकी सर्विस की जो हमारा मेन पॉइंट रह गया है क्योंकि एक बेसिक जो कॉस्ट होती है वो आदमी को जो सबसे ज़्यादा तड़पाती है वो होती है सर्विस कॉस्ट सो so, uh, साल में दो सर्विस आती हैं इसकी एक होता है जिसमें आपको ऑयल वगैरह चेंज होता है और एक होता है जिसमें आपके सिर्फ टॉपअप्स होते हैं तो जो ऑयल वगैरह चेंज वगैरह वाला सीन है उसमें आपके पंद्रह से दो हज़ार के बीच में खर्चा आता है जो कि बहुत मिनिमम है अगर हम लेबर कॉस्ट भी इसमें जोड़ दें तब आपको सात सौ हज़ार रुपए तक जो लेबर कॉस्ट है वो जुड़ जाती है बट मैं यूजली क्या करता हूँ जब मेरी वारंटी आउट हो जाती है मैं कंपनी से बाहर से कराता हूँ मेरे दो तीन बंदे हैं जिनसे मैं कराता हूँ वहां पर मुझे सिर्फ लेबर कॉस्ट देनी पड़ती है डेढ़ सौ जो कि बहुत ही ज़्यादा सफिशियन रहता है बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली रहता है और मुझे वो फिर चुपता भी नहीं है देने में Uh, दूसरी में सर्विस में आपको सिर्फ दस बीस तीस चालीस जो भी टॉपअप होगा उसका खर्चा आएगा सेकेंड ईयर में भी ऑलमोस्ट यही दोनों सर्विसेज़ होती हैं एंड uh, आप समझ सकते हो कि खर्चे का क्या है बाकी मेड इन इंडिया है टाटा का प्रोडक्ट है तो उस हिसाब से इसका जो खर्चा है वो ऐसा नहीं है बहुत पॉकेट uh, फ्रेंडली गाड़ी है एंड पार्ट्स वगैरह सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार इज़ द फाइव स्टार रेटिंग जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है सो आई होप मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके सारे के सारे कवर कर दिए हों जो भी डाउट्स होंगे आपके मन में वो सारे के सारे कवर कर दिया हूँ एंड कुछ अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में हैं तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं ताकि मैं फिर आपको उस चीज़ का जवाब दे सकूँ बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो यार फॉलो करो बॉन डॉट क्रिएटर है बाकी हमारा गेमिंग चैनल भी है बॉन क्रिएटर गेमिंग जिसमें हम रोज लाइव स्ट्रीम भी करते हैं रोज़ वीडियो अपलोड भी करते हैं और बहुत ही सही सही प्लेज आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे सो so, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तिलदन टिकॉब्लेस बाय